सप्ताह में दो दिन उपवास करना आपकी लाइफस्टाइल में सुधार लाने का एक बहुत ही पुराना और इफेक्टिव तरीका माना जाता है। आज के समय में जब हम बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल, असंतुलित आहार और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के चलते अपनी सेहत को अनदेखा कर देते हैं, तब फास्टिंग यानी कि उपवास एक काफ़ी आसान और नेचुरल सोल्यूशन हो सकता है, जो ना केवल आपके फिजिकल हेल्थ को बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी सशक्त बनाता है। उपवास यानी फास्टिंग की परंपरा कई प्राचीन संस्कृतियों में रही है, चाहे वो भारतीय हो, मिस्र की हो या फिर ग्रीक हो। ये न केवल धार्मिक कारणों से किया जाता था बल्कि शरीर को शुद्ध करने और मेंटल पीस को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता था। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि समय समय पर फास्टिंग करने से शरीर को पुनर्जीवित होने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वीक में यानी हफ्ते में दो दिन फास्टिंग करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें आप हफ्ते के किसी भी दो दिन चुन सकते हैं जिसमें आप लिमिटेड अमाउंट में खाना खाएंगे या फिर केवल लिक्विड सब्सटेंस का सेवन करेंगे। आमतौर पर 16 और 8 की रेशियो में 16 घंटे उपवास और 8 घंटे भोजन का समय होता है, लेकिन इसके अलावा आप चाहें तो पूर्ण उपवास भी कर सकते हैं जिसमें केवल पानी, हर्बल चाय या नींबू पानी जैसी चीज़ें ली जाती हैं। फास्टिंग से सबसे बड़ा फायदा होता है वेट कंट्रोल का। जब आप दो दिन उपवास करते हैं तो आपके शरीर में इकट्ठा हुआ फैट एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपका मोटापा कम होता है। साथ ही साथ फास्टिंग से शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है। इसके अलावा फास्टिंग से शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल काफ़ी कंट्रोल में रहता है, जो डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है। शरीर में स्वेलिंग कम होती है, जिससे जोड़ों के दर्द और अन्य स्वेलिंग से जुड़ी हुई समस्याएँ कम होती हैं। फास्टिंग के दौरान शरीर में नए सेल्स का निर्माण काफ़ी तेज़ होता है और डैमेज्ड सेल्स की अच्छे से मरम्मत होती है, जिससे आपकी त्वचा में निखार आता है और आप लंबे समय तक जवां दिख सकते हैं। फास्टिंग ना केवल फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स डालता है। जब आप दो दिन फास्टिंग करते हैं तो आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन का स्त्राव बढ़ता है, जिससे आपको मेंटल पीस और काफ़ी हैप्पीनेस फील होती है। ये मेंटल कंसिस्टेंसी को भी बढ़ाता है, क्योंकि फास्टिंग के दौरान मस्तिष्क में न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर का उत्पादन होता है, जो ब्रेन सेल्स को सुधारता है और न्यूरल कनेक्शन को काफ़ी मजबूत करता है। उपवास आपको अपने शरीर की ज़रूरतों को समझने का मौका देता है। यह आपको ये सिखाता है कि भूख और तृप्ति के बीच के अंतर को कैसे पहचाना जाए और कैसे आप इमोशनली खाने की आदत से बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार सप्ताह में दो दिन उपवास करना ना केवल एक फिजिकल प्रोसेस है बल्कि ये मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। इससे आपका वजन कंट्रोल रहता है, आपकी डिसीज कंट्रोलिंग कैपेसिटी बढ़ती है और मेंटल पीस व स्टेबिलिटी भी मिलती है। जब आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो ये आपकी पूरी लाइफस्टाइल को पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल सकता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।